देखो इस क्वेश्चन के अंदर थ्री कंसेंट्रिक मेटल शेल्स ऑफ रेडियाई आर, टू आर एंड थ्री आर गिवन चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3. आपको कोई तीन शेल्स गिवन है जिनमें तीन चार्जेस दिए हुए हैं Q1, Q2 एंड Q3. इट इज फाउंड दैट द सरफेस डेंसिटीज ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल्स आर इक्वल. सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? सिग्मा. तो सिग्मा तीनों शेल्स का एग्जैक्टली सेम है. आपको क्या करना है? तीनों शेल्स की चार्ज की रेशियो निकालनी है, सिंपल. अब मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व किया. ये देखो, मैंने तीन शेल्स लिए. ये मेरा पहला शेल है, ये मेरा दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है. ठीक, मैंने कहा कि इसके ऊपर चार्ज क्या है? Q1. इसका चार्ज क्या है? Q2. इसका चार्ज क्या है? Q3. इसका रेडियस क्या है? R. इसका कितना है? 2R. और इसका कितना है? 3R. ठीक. अब मुझे पहला पॉइंट ये बताओ, अगर तीन शेल्स हैं, तीनों पे चार्जेस हैं, इंडक्शन लगेगी या नहीं लगेगी? ये कंडक्टिंग शेल्स हैं, हाँ या ना? हाँ लगेगी, इंडक्शन लगेगी. तो अब दूसरा क्वेश्चन, इंडक्शन लगाऊं? हाँ ऑब्वियसली लगाऊंगा, इंडक्शन तो लगाऊंगा. इंडक्शन लगाने के बाद, सब सेटल होने के बाद, चार्जेस जो भी अंदर बाहर, अंदर बाहर जो भी इनके चार्जेस बनेंगे, एक कंडीशन हमेशा ट्रू है और वो क्या? सिग्मा तीनों का एग्जैक्टली क्या रहना चाहिए? सेम आफ्टर इंडक्शन. ये नहीं है कि इंडक्शन से पहले सिग्मा सेम था फिर इंडक्शन लग गई उसके बाद सिग्मा डिफरेंट हो गया ना. फाइनली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, इंडक्शन लगने के बाद सिग्मा सेम आ गया. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो मैं करता हूं एक मिनट, सिग्मा को सेम कर देते हैं. एक मिनट, सिग्मा कैसे सेम? पहले शेल का सिग्मा क्या होगा? Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर. दूसरे का क्या होगा? Q2 4 पाई 2R का स्क्वायर. तीसरे का क्या होगा? Q3 4 पाई 3R का स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? कर दिया बराबर? आपको से इंडक्शन तो लेनी, अभी दो मिनट बाद में लेता हूं. ये मान लो इनके टॉप के चार्जेस हैं शेल के आफ्टर इंडक्शन. हाँ आपको के नीचे इंडक्शन लगी हुई है? हाँ लगी हुई है, उसके ऊपर बाद में आता हूं. पहले जरा एक काम करता हूं, पहले सिग्मा को बराबर कर लेता हूं. इनके बीच में जो इंडक्शन लगनी थी लग चुकी होगी. अब फाइनली इंडक्शन लगने के बाद सिग्मा इनका क्या आ गया? इक्वल आ गया. तो मैंने इक्वल कर दिया. अब जब मैंने इक्वल किया तो यहां पर क्या आया? Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय, यहां से 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है यहां तक? अब मेरे को क्योंकि सिग्मा बराबर गिवन है तो ये सारी वैल्यूज बराबर गिवन है. तो अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि Q2 की वैल्यू अगर मैं 4 Q1 पुट कर दूं, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो ये रेशियो बराबर हो जाएगी. इसका मतलब पहले शेल पे चार्ज तो Q1 है, दूसरे शेल के ऊपर Q2 किसके इक्वल लेना पड़ेगा? 4 Q1. क्योंकि अगर मैं 4 Q1 लूंगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल. रेशियो बराबर हो जाएगी. क्या स्टेप भी क्लियर है? ठीक है यहां तक? अब मन में सोचो ना, अगर ये 4 Q1 होता तो 4 से 4 कैंसिल, बराबर रेशियो. अच्छा फिर से ये और ये रेशियो बराबर है तो बोलो Q3 इन टर्म्स ऑफ Q1 क्या लूं कि ये और ये रेशियो बराबर हो जाए. तो Q3 विल बी इक्वल टू 9 इनटू Q1, क्योंकि अगर 9 Q1 होगा तो 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर सेम हो जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? Q2 4 Q1 ना, ये तो बेचारा कुछ भी नहीं है तो यहीं से स्टार्ट है. इसको इसके इक्वल करना है तो Q2 4 Q1 होगा तो 4 4 कैंसिल तो बराबर हो जाएगा ना. क्या ये स्टेप पुट करके देख लो, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अब मेरे माइंड में ये आया कि आंसर आ गया. मैंने कहा आंसर कैसे आ गया? रेशियो आ तो गई. एक चार्ज अगर Q1 है तो दूसरा 4 Q1 है, तीसरा 9 Q1 है. तो ऑब्जेक्टिव में आंसर या सब्जेक्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आंसर क्या मार्क करेंगे? 1:4:9. और अगर ऐसा करेंगे तो घर आके ये कहेंगे पेपर बढ़िया हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ये क्या हो गया यार, ये तो गलत हो गया. तो ये आंसर गलत माना जाएगा.
आप हो गए गलत कैसे हो गया, इसमें तो गलती लग नहीं रही मुझे। गलती ये है उसने तीनों शेल्स का नेट चार्ज का रेशियो मांगा, उसने ये नहीं कहा उनकी सरफेस के ऊपर चार्जेस की रेशियो दो। तो जब वो नेट चार्ज बोलेगा तो आपको अंदर का और बाहर का, अंदर का और बाहर का, अंदर का और बाहर का नेट 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 निकाल के रेशियो डिवाइड करनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और मैंने क्या निकाली, सिर्फ टॉप की सर्फेसिस की रेशियो निकाल दी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा किसके अंदर की सरफेस पे चार्ज कितना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? प्रॉब्लम समझ में आई क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर के चार्ज की रेशियो निकाल लेता हूं। करें स्टार्ट। तो मैं इसके अंदर सपोज करो ये मेरा पहला शेल है, ये मेरा दूसरा शेल है और ये मेरा तीसरा शेल है, सच दैट इसके अंदर पहले शेल पे कितना चार्ज आया, क्यू वन, टॉप पे क्योंकि टॉप का सिग्मा इक्वल किया है हमने, और यहां पर क्या आया 4Q1, यहां पर क्या आया 9Q1, यहां तक तो पहुंच ही गए हैं। अब एक काम करते हैं, इसके नीचे की सरफेस का चार्ज भी देख लेते हैं। तो इसको नीचे की सरफेस के चार्ज के लिए क्या लगानी पड़ेगी, इंडक्शन। अगर ये Q1 है तो ये -Q1 है, तो फिर ऊपर यहां पर क्या आएगा, +Q1। तो ऊपर की सरफेस पे चार्ज क्या होगा, 4Q1 +Q1 विच कम्स आउट टू बी 5Q1। जैसे ही 5Q1 होगा सिग्मा बराबर नहीं रहेगा, गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं Q1 के ऊपर ले जाऊंगा -Q1 के ऊपर Q1 तो 5Q1 हो गया। और हमने क्या फैसला किया हुआ है कि अगर सिग्मा बराबर करना है तो फिर ये चार्ज और ये चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो फिक्स है, ये नहीं चेंज होंगे। फिर आप कहेंगे क्या इंडक्शन लगानी छोड़ दें? नहीं, इसमें जो 4Q1 है उसमें ऑलरेडी जो चार्ज लिया हुआ है उसमें इंडक्शन का इफेक्ट लिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने सिग्मा को इक्वेट किया था तो मैंने बोल दिया था कि ऑलरेडी इसमें इंडक्शंस लगी हुई हैं। ये पॉइंट समझ में आया? तो आप हां ये बोल सकते हो अपने मन को समझाने के लिए कि ये -Q1 है, आउटर का चार्ज था 3Q1 और एक चार्ज कहां से आया, Q1, तो 3Q1 +Q1 4Q1 आफ्टर इंडक्शन। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? फिर से ये ठीक है यहां तक? तो तीन चार ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इंडक्शन लगानी शुरू की Q1 -Q1, तो मेरा माइंड कहता है कि -Q1 के आगे क्या होना चाहिए, +Q1 होना चाहिए, और ये कितने 5Q1, तो यहां पर क्या आना चाहिए -5Q1 और यहां पे क्या आना चाहिए +Q5, डन। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सिग्मा कैलकुलेट करो, आप सबका सेम ही नहीं आएगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल कब आ रहा था, जब ये Q1 है, ये 4Q1, ये 9Q1, और सबसे बड़ी बात जब हमने सिग्मा इक्वेट किया था तो हमने, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि इसमें ऑलरेडी इंडक्शन लगी हुई है, आफ्टर इंडक्शन ही ये रेड कलर का चार्ज है, तो मेरे को टॉप की सरफेस पे फिर से इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर सिग्मा बराबर गिवन है तो आफ्टर इंडक्शन लगाने के बाद बराबर गिवन है, पहले नहीं गिवन। और वैसे भी जब मैंने बोल दिया तीन शेल्स हैं, तीनों पे चार्ज है, इंडक्शन इमीडिएटली लगी होगी, उसमें टाइम थोड़ा लगता है, इंडक्शन लगने के बाद सिग्मा बराबर है, तो इसलिए टॉप मोस्ट सरफेस पे इंडक्शन लगी हुई है और जो बॉटम की सरफेस है, जो नीचे की सरफेस है, सिर्फ उसके ऊपर हमने इंडक्शन को लेना है, यहां पे उसके ऊपर इंडक्शन जरूर ले लेते हैं, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। अब देखो, तो बॉटम की सरफेस पे -Q1 है, राइट, इसको तो छेड़ना नहीं, ऑलरेडी +Q1 जा चुका है। अब अगर ये +4Q1 है आफ्टर इंडक्शन, तो यहां पर कितने -4Q1 है, तो ऊपर +4Q1 नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा +4Q1 ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 9Q1 में 4Q1 इंक्लूडेड है, तभी तो सिग्मा हमने ऑलरेडी इंक्लूड इक्वेट किया था। क्लियर है यहां तक? तो फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ इस शेल पे नेट चार्ज कितने है, फर्स्ट शेल पे Q1, इसका नेट चार्ज कितना है, इन्हें ऐड करो कितना, 3Q1, इसका नेट चार्ज कितना है, तो रेशियो बोलो क्या आएगी, 1:3:2। कंफ्यूज कर सकता है, क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। पॉइंट क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा वो ट्रिक है जो जल्दी जल्दी बंदा नहीं पकड़ सकता, और पहली बारी में आंसर वही करके आएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सिग्मा को इक्वेट करेगा, एक मिनट में Q1 Q2 Q3 रेशियो निकालेगा, 1:4:9, और गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? ठीक, ओके। नेक्स्ट है, ओके, ये एक टॉपिक है। इसका ना, ये टॉपिक की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, और लेकिन इसका ना, जहाँ आपने रजिस्टर लगा रखे जिसमें आप फॉर्मूला नोट कर रहे हैं, उसमें बस इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। मतलब इतनी लंबी कहानी कोई कोई वहाँ प्रूव करने को आती नहीं है, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे बता दूं, ये एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम है, तो लेकिन ये मेंस में और नीट में बहुत आराम से आ सकती है, क्योंकि एडवांस में पहली बार तो उन्होंने जब आया तो वो तो पहली बार आया, तो ऑब्वियसली प्रूव करना लोगों को पड़ा होगा। पर मेन उसके बाद कई बार कॉम्पिटिशन में आया, तो जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से काम चल गया, तो हम एंड में सिर्फ फॉर्मूला ही करेंगे इसका। पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये है क्या चीज़। आपको याद होगा ये कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी पहले सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट होती है। सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम आती थी कि ये एक इतनी बड़ा स्फेयर है, इस स्फेयर में से छोटा स्फेयर कट करके फेंक दो तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, स्फेयर कटिंग की प्रॉब्लम। फिर चलो बंदा सोचता है चलो एक बार खत्म हुई हुई, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आती है, ये रही डिस्क, डिस्क में से डिस्क काट दो तो बोलो बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। आता था ना, सुना हुआ ऐसे प्रॉब्लम्स, तो या स्फेयर है, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, स्फेयर में से स्फेयर कट करके फेंक दिया तो रिमेनिंग स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको निकालना होता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गई, रादर ग्रेविटेशन में आई थी उससे पहले, एक अर्थ जितना कोई स्फेयर है और अर्थ में से एक छोटा सा एक और स्फेयर काट के फेंक दिया तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई ये बताओ। फिर आज ये चौथी बार है कि ये आपके पास एक चार्ज्ड स्फेयर है, चार्ज स्फेयर में से एक छोटा सा स्फेयर कट करके फेंक दिया, उसका पोर्शन फेंक दिया, तो बताओ पी पॉइंट पर रिमेनिंग जो पोर्शन बचा उसने कितना ई लगाया। तो मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट सबके अंदर एक ही लगना है, एक कट करने वाली प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन में आनी ही आनी है, एनसीईआरटी में नहीं आनी, तो नॉट फॉर एनसीईआरटी। ये शीट ही रादर जो ऊपर के क्वेश्चन थे फॉर एनसीईआरटी, अब जो नीचे के क्वेश्चन है वो नॉट फॉर एनसीईआरटी, दो मिक्स हैं इसमें, ठीक है। ये ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, यहाँ से कॉम्पिटिशन स्टार्ट है आगे, राइट, ठीक है। उससे ऊपर वाला सब एनसीईआरटी में आ सकता है। जब मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा, 8 या 10 क्वेश्चन बेसिक में से आने वाले हैं आपके कॉम्पिटिशन में भी, ये भी याद रखना। आपको आपके कंपटीशन में बेसिक प्रॉब्लम्स 8 या 10 तो बहुत आराम से मिलेंगी ही मिलेंगी। तो तभी कहते हैं कि आप भाई पहले एनसीईआरटी एनसीईआरटी प्रॉपर कर लो, बेसिक्स क्लियर कर लो, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाते हैं, बचे 8-10 थोड़ा और जोर मार लो बस, ठीक है, 99% है, पहुंच जाओगे टॉप 1% पे, बात खत्म। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या है ये ना, ये बाद में समझते हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि सपोज करो आपके पास एक स्फेयर है और ये चार्ज स्फेयर है। जब मैं बोलता हूँ ये चार्ज स्फेयर है तो ये कंडक्टिंग स्फेयर नहीं है, ये क्या है, नॉन कंडक्ट। कंडक्टिंग के अंदर तो पहले लेक्चर से बोल ही रहा हूँ, चार्ज अंदर हो ही नहीं सकता, ये मेटल का स्फेयर तो है ही नहीं, ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग बोल तो देता हूँ लेकिन मैंने आपको बताया नहीं नॉन कंडक्टिंग होता क्या है। वैसे कंडक्टिंग तो आपको पता है क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग में क्या प्लास्टिक है, प्लास्टिक के स्फेयर के अंदर चार्ज है कि लकड़ का स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें तो चार्ज ही नहीं होता। तो ये ऐसा कौन सा नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, बोल तो देते हैं नॉन कंडक्टिंग, लेकिन इसको अभी हमने स्टडी करना है। एक टॉपिक है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक्स, खास किस्म के इंसुलेटर होते हैं जिसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता, अंदर स्टे कर सकता है, रुक सकता है, मूव नहीं कर सकता। कंडक्टर तो कंडक्ट करता है चार्ज, मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें मूव नहीं करता, एक बार चार्ज निकल गया तो निकल गया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे मटेरियल देखो, एक तो प्योर इंसुलेटर लकड़ प्योर, इसमें तो चार्ज हो ही नहीं सकता, चार्ज लकड़ पे चार्ज नहीं आ सकता। तो कुछ चीजें जिसमें चार्ज ही नहीं आ सकता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटीरियल हैं जो इंसुलेटर्स हैं लेकिन चार्ज उनके अंदर भी स्टे कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उसमें हो सकता है। तो जब हम करते हैं ना कि स्फेयर के अंदर चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक ही होते हैं, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोला जाता है उन्हें। तो ये नॉन कंडक्टिंग की डेरिवेशन हमने की थी, गॉस थ्योरम की सॉलिड स्फेयर की एप्लीकेशन थी कि बताओ इसके r डिस्टेंस दूर
अगर आपको इसके इनसाइड ई निकालना है तो क्या होगा और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, रो, रो का मतलब वॉल्यूम वाइज, आंसर क्या होगा? रो रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बिल्कुल सही, और टेस्ट है, आप याद भी करके आए होंगे, प्रूफ भी करने को आ सकता है, ठीक है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यही था एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ई का फॉर्मूला, यही था, यही था, मैं दूसरे बारे में टेस्ट करके आया हूँ, यही था, ठीक, मेरा गलत नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला आपने किया और आज आपके टेस्ट में प्रूफ करने को भी आएगा, या पता नहीं शेल आएगा या स्फीयर आएगा, दो सेट हैं, किसी को शेल किसी को स्फीयर, ठीक। तो मतलब अगर आपने पूछ पाछ भी लिया पेपर कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, मतलब वो भी कुछ वो है कुछ अलग भी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप अगर दो सेट ही बना करेंगे, ठीक। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कई बार देखो मेरे पास ना सॉफ्टवेयर है, बता देता हूँ, वो 6 सेट बना सकता है, ऑब्जेक्टिव के भी और सब्जेक्टिव के भी, और विद इन 10 सेकेंड्स। तो कोई हमें कोई उसमें मेहनत थोड़ा करनी है, वो अपने आप ही शफल करके नए नए क्वेश्चन डाल के बना देगा, खत्म कहानी। इतनी कौन, इतना थोड़ी ना तुम सोचते हो कि सर बड़ी मेहनत करते हैं, अरे नहीं नहीं यार, थोड़ा सॉफ्टवेयर है वो बना देगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। मैं 6 सेट नहीं बना सकता। देखो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बड़े टेस्ट में बनते हैं वैसे सेट्स, जो बड़े 10-10 क्वेश्चन के सेट हैं ना, उसमें बनाने पड़ते हैं। तो अब इसमें ई की वैल्यू, ये आपके सामने ई की वैल्यू है। अब पॉइंट ये है, ये तो ठीक है, पता ही है तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें। पॉइंट ये है कि इस स्फीयर में से एक छोटे से स्फीयर को मैं कट करने वाला हूँ। ये लो, ये मैंने इसके स्फीयर को कर दिया कट, ये बीच में से कट कर दिया, गया। अब जब ये गया तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन तो गया, ये जा नहीं रहा, ओके यहाँ से जाएगा, अब जाएगा, ये लो जी गया। तो वो कह रहे कि सपोज करो ये एक पॉइंट है P, बचा हुआ तो चार्ज है ना, पहले पूरा स्फीयर इस P पॉइंट पे, ठीक है, ये E लगाता था, अब तो नहीं लगाएगा क्योंकि उसका चार्ज तो गायब हो गया। तो बताओ जब ये कट करके फेंक दिया तो बचे हुए स्फीयर ने इसी पॉइंट P पे कितना E लगाया, ये क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक, ओके। मैं इसको रिफ्रेस करता हूं और आसान तरीके से पूछता हूं, मैं वो पी पॉइंट हूं, मेरे ऊपर इसने ई लगाया 10 न्यूटन पर कूलम इस तरफ, चलो इस तरफ 10 इसने लगाया, 10 और इसने लगाया 2, दोनों मिलके मेरे पे ई क्या लगा रहे हैं, 10 सेम डायरेक्शन में, 10 प्लस 2 12, तो दोनों ने मिलके मेरे पे ई क्या लगाया, 12। इनमें से मैंने एक स्फेयर को भेज दिया साइड पे, कर दिया तू जा तू मत ई लगा, तो बताओ बचा हुआ कितना ही लगेगा, 10। सारी गेम तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वेक्टर्स, तो इसमें भी यही लगेगा। इसमें कितने स्फेयर दिख रहे हैं आपको, 2। पहला स्फेयर क्या दिख रहा है, कंप्लीट स्फेयर बड़ा, दूसरा स्फेयर क्या दिख रहा है, छोटे वाला जिसको काट के फेंक दिया। तो अगर मैं आपको यह बता दूं कि कंप्लीट स्फेयर ने पी पॉइंट पर 10 की वैल्यू लगाई है ई की, और कट करके फेंकने वाले स्फेयर ने 2 लगाई थी, 10 में से 2 तो उसका कंट्रीब्यूशन था, अब उस छोटे स्फीयर को तो फेंक दिया तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 में से 2, तो बचा हुआ ई कितना हुआ जब फेंक दोगे, 8, क्योंकि 10 तो जो बचा हुआ स्फीयर और कटा स्फीयर दोनों का था, कंप्लीट स्फीयर का 10 था, जो काट के फेंक रहे हैं उसने कंट्रीब्यूशन उसमें से 2 किया था, तो जब काट के फेंक ही दिया तो 2 फिर माइनस भी तो करोगे, तो 10 में से 2 क्या हुआ, 8, तो 8 आंसर आ गया, सेम है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही तो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको ये बताएगा कि इसके अंदर जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्फीयर है और स्फीयर के 8 डिस्टेंस दूर ई का फॉर्मूला बता दिया, ये लगाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक कंप्लीट स्फीयर लूंगा, ठीक, पहले काम करूंगा मैं इसके अंदर एक कंप्लीट स्फीयर लूंगा, ये एक कंप्लीट स्फीयर है, चार्ज है और ये वो पी पॉइंट है और ये सेंटर क्या है, सी। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की ये है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में जो डिस्टेंस गिवन है ना वो इस स्फीयर और बड़े स्फीयर के सेंटर्स का गिवन है ए, ना तो आपको बी गिवन है ना आपको इसमें आर गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, ए गिवन है, ठीक है यहां तक, आपको ए गिवन है।
अब आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि इस पूरे स्फीयर ने पी पॉइंट पर कितना ई लगाया था। तो आप पूछोगे सर इसका डिस्टेंस तो बताओ, तभी आंसर बताएंगे। डिस्टेंस तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि ए डिस्टेंस तो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस था, तो ये डिस्टेंस कितना है। तो मैंने कहा यार कुछ भी मान लो, आपने कहा बी मान ले, मैंने कहा चल बी मान लो बी। तो आपने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, रो इंटू बी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया यहां तक, क्लियर है आपको कि बी की फॉर्म में आंसर आएगा। नहीं, बी को मैं एलिमिनेट कर दूंगा थोड़ी देर में, पर अगर मैं बी लूंगा तो ये आंसर क्लियर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सपोज ये कटा हुआ स्फीयर है जो काट दिया, और पी पॉइंट उसके भी अंदर है। अब उस कटे हुए स्फीयर और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो भी गिवन नहीं है, क्योंकि मेरे को तो दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस गिवन है। तो कटे हुए स्फीयर और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर ले लो, अपने का गिवन तो है नहीं यार, अब 2 मिनट ले लो। तो आंसर क्या होगा, इसने क्या लगाया इसमें, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कंप्लीट जब स्फीयर था तो उसने ई क्या लगाया था, रो बी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। जो कटा हुआ स्फीयर है उसने क्या लगाया, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी मेरी अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है। हाँ एक्चुअल में ये गिवन है, एक्चुअल में ये गिवन है, राइट। पर चलो एलिमिनेट, मैंने ये ले लिया, एलिमिनेशन भी कर दूंगा मैं। तो ये पॉइंट क्लियर है, जो रिमेनिंग आपका स्फीयर है उसकी ई की वैल्यू इसके इक्वल होगी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। अब वेक्टर का रूल लगाते हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आपको वेक्टर का रूल पता है कि ये और ये कॉन्टिन्यूस है, ये क्लोजिंग साइड है। तो क्लोजिंग साइड बी वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप आर वेक्टर की जगह पुट करो बी माइनस ए, इसे ओपन करो, ओपन करके बी और बी वाली टर्म कैंसिल, आंसर आ गया। आपने ये पूरी कहानी कुछ नहीं करनी, आपसे पूछेगा भी कोई नहीं, आप इस फॉर्मूले को नोट करें। नोट क्या करें, मैंने नोट किया हुआ है शायद अगली शीट में, मैंने लिखा हुआ है ये रहा। आज के बाद अगर स्फीयर में से स्फीयर कट करके फेंक दिया और आपको सी और सी डैश में डिस्टेंस गिवन है ए, तो आप कैविटी में कोई भी अगर पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट इस कैविटी, कैविटी मतलब खाली जो पोर्शन है, इसमें जहां मर्जी ले लें, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, पी पॉइंट जहां मर्जी लें। तो आप चाहे पी पॉइंट यहां लें, यहां लें, यहां लें, जहां मर्जी लें कैविटी के अंदर, पी ई की वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि रो ए 3 एप्सिलॉन नॉट चारों के चारों कॉन्स्टेंट है। ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल देना, क्लियर है यहां तक। तो जहां आप रजिस्टर बना रहे हो, जिसमें फॉर्मूला लिख रहे हो, उसमें ये फॉर्मूला भी नोट कर लें कि रो इंटू ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है यहां तक। तो आज के बाद अगर कॉम्पिटिशन में सीधा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको एक आइडिया पता है कि आपको सीधा फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ठीक है। इससे पहले मैं आगे चलूं, मेरे को ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार कंपटीशन में आया है। इस टाइप की प्रॉब्लम, सिर्फ ये ही नहीं, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आई है, इसको करना चाहिए। देखो तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम की थी जिसमें ना एक रॉड के ऊपर चार्ज निकालना है, और रॉड के ऊपर चार्ज है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ, तो कौन सी डेंसिटी यूज करते हैं, लैम्डा। तो दो केस थे, आपको चार्ज पूछेगा रॉड के ऊपर, पहला केस लैम्डा कांस्टेंट है, दूसरा केस लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। हमने दो केस किए थे, हमें पता है उसको कैसे हैंडल करना है, जिसमें लैम्डा कांस्टेंट ही है उसमें इंटीग्रेशन से हैंडल करना है, जिसमें लैम्डा कांस्टेंट है वो तो वैसे ही आ जाएगा। अब कंपटीशन वाले क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी के लिए नहीं है, कंपटीशन वाले क्या करेंगे, सेम गेम खेलेंगे लेकिन रो के साथ, रो कांस्टेंट है या रो कांस्टेंट नहीं है, सिंपल। तो जैसे हमने लैम्डा का रूल बनाया था, सेम रूल हम किसका बना लेंगे, रो का बना लेते हैं। तो ठीक है, जहां आपने फॉर्मूला की लिस्ट बनाई, ये जहां आप लिखना चाहो लिख लो। ये देखो तो हम क्या करेंगे, इसमें दो केस हैं। पहला केस आपको एक सॉलिड स्फीयर के बने, रो का मतलब चार्ज अंदर है, अंदर है, तो रो की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा केस
आपको फिर से चार डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर की तरफ आओगे, दूर 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 आओगे, रो की वैल्यू इज इंक्रीजिंग। बाउंड्री पे तो रो बहुत ज्यादा है, तो यानी कि रो की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, या तो रो कांस्टेंट है या रो कांस्टेंट नहीं है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक। तो अब इस केस में जैसे इसमें रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, रो कांस्टेंट है। आपको इसका रेडियस गिवन है कैपिटल आर 2 मीटर। वो कहेगा चार्ज निकालो, तो चार्ज क्या होगा, जो रो होता है रादर वो क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितना है इसमें 10, 10, और वॉल्यूम कितना है 4/3 pi इंटू आर कितना है 2 का क्यूब। आंसर कूलम, आंसर डन। मतलब अगर रो कांस्टेंट है फिर तो पॉइंट ही खत्म है ना, फिर तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। चार्ज निकालने के लिए आप रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ गया, क्लोज। ठीक है यहाँ तक? तो लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब रो कांस्टेंट नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है, हमने गॉस थ्योरम में रो का डेरिवेशन किया, हमने रो वाला किया, रो आर बाई थ्री सब किया था एप्लीकेशन, क्या मैंने उस डेरिवेशन में रो कांस्टेंट लिया कि नहीं लिया? लिया। मैंने कभी वेरिएबल लिया? लिया ही नहीं है। वेरिएबल तो इंटीग्रेशन, क्या मैंने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में कोई खतरनाक इंटीग्रेशन की? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल रो लेके चार्ज निकाल के आंसर निकाल दिया। मैंने जब जब किया रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, जब चार्ज इनसाइड निकालते हैं सॉलिड स्फीयर में तो रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। तो मेरे डेरिवेशन में रो हमेशा कांस्टेंट था, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के बाहर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो हमने डेरिवेशन की और 3 रिजल्ट एनसीईआरटी के हिसाब से निकाले, उसमें रो कांस्टेंट लिया। और वैसे भी एनसीईआरटी रो कांस्टेंट के साथ ही अपनी चीज़ों को डिफाइन करेगी, रो वेरिएबल के साथ कॉम्पिटिशन ही करेगा। तो ये तो बात होगी खत्म। अब मान लो मेरे क्वेश्चन में रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और सपोज कितनी गिवन है 2R है। 2R का मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से R बढ़ाते जाओगे रो की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर रो इज नॉट कांस्टेंट। अब रो कांस्टेंट ना होने का मतलब क्या है, रो कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि अगर आप ये पोर्शन लेते हो तो यहाँ पर रो कम है, यहाँ पर चार्ज कम मिलेगा। जैसे जैसे आप अगल ये पोर्शन लोगे, ये पोर्शन लोगे और अलग पोर्शन लोगे, तो जैसे बाहर जा रहे हो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पहले छोटा चार्ज है, फिर ज़्यादा चार्ज है, फिर ज़्यादा चार्ज है, फिर ज़्यादा चार्ज है, फिर बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, छोटा ज़्यादा 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 का इंटीग्रेशन, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि अब आपको ये पता लग गया कि ये बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं हो सकती प्रॉब्लम। हाँ, अगर रो कांस्टेंट है फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखो। सपोज करो आपको एक स्फीयर गिवन है, ठीक, सपोज आपको एक स्फीयर गिवन है और जिसके अंदर क्या गिवन है, चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जैसा कि मैंने कहा कि रो की वैल्यू इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, मान लो ये ले लेते हैं 2R है, कुछ भी देगा वो, कुछ भी बना के देगा 2R, 3R, 2R square, मर्जी है उसकी, रो जैसे मर्जी दे। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, बहुत सारे शेल्स का, हॉलो शेल्स का, हॉलो थिक शेल्स का। शेल लो अंदर से खाली, उसको रख दो, उसके अंदर एक और शेल लो बिल्कुल टाइट, उसे थोड़ा छोटा चिपका दो, एक और शेल जो उससे छोटा उसको चिपका दो, तो करते 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 एक पॉइंट आ जाएगा और बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा। उल्टा ले लो, एक पॉइंट लो, उसके आगे एक शेल, उसको पैक कर दो शेल से, फिर एक और शेल लो और पैक कर दो, अंदर से खाली होना चाहिए तभी पैक करोगे ना इसको, इस बॉल को तभी पैक करोगे, फिर अगला और पैक करोगे, तो करते 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 क्या बन जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो यानी कि ये सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, शेल से। तो हर शेल में चार्ज डिफरेंट होगा, क्योंकि अंदर शेल का चार्ज डिफरेंट होगा, फिर और बाहर जाओगे, बाहर जाओगे, बाहर जाओगे, चार्ज हर शेल में बढ़ता जाएगा एंड तक। तो टोटल चार्ज क्या होगा, सभी शेल्स के चार्ज की इंटीग्रेशन। तो एक कोई भी शेल ले लेते हैं, चलो एक शेल लेते हैं, ये एक शेल मैंने ले लिया,
थोड़ा थिक शेल लेना पड़ेगा, थोड़ी मोटाई, अदरवाइज भरेंगे कैसे। तो ये मैंने एक शेल ले लिया और ये इसकी क्या है, थिकनेस है, ठीक है। एक शेल लिया, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। ये शेल का रेडियस क्या है, आर, और थिकनेस कितनी है, डी आर, राइट। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इस शेल का स्मॉल चार्ज निकाल लूंगा डी क्यू, एंड डी क्यू विल बी इक्वल टू रो। अब रो यहां पे डिफरेंट है क्योंकि आर डिस्टेंस पे रो किसके इक्वल है, टू आर, आर डिस्टेंस पे टू आर, बताया मैंने। तो यहां पर आर, रो मुझे पता है, तो रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस शेडेड शेडेड वॉल्यूम से, क्योंकि शेडेड वॉल्यूम को अगर रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो शेडेड वॉल्यूम के अंदर क्या जाएगा, चार्ज, क्योंकि रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, को शेडेड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, चार्ज। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब शेडेड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, शेडेड वॉल्यूम निकालने के लिए मैथ्स तो ये कहता है कि अगर आप शेडेड वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो आप ऐसा करो, आउटर वॉल्यूम, बोलो आउटर वॉल्यूम क्या है, 4/3 pi r plus dr का क्यूब, आउटर का ये r है तो ये dr है, तो r plus dr का क्यूब माइनस 4/3 pi r क्यूब, बनता तो यही है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो यही आंसर आएगा। फिर आप इसे क्या करेंगे, ओपन, ओपन करके dr इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे dr की वैल्यू है 0.00001, डिफाइंड नहीं की जाती मुझे मालूम है, पर चलो इमेजिनरी बहुत छोटी है। dr का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा आएगा, dr का क्यूब तो और भी छोटा आएगा, तो जितना dr का स्क्वायर की टर्म दिखेगी, dr के क्यूब की टर्म दिखेगी, उसको छोड़ देना, और जब इसे माइनस करके आंसर निकालोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम माइनस करेंगे क्यों, कौन इतना फ्री है कि चेक करेगा बैठ के कि हाँ आया कि नहीं आया, करेंगे ही नहीं, अपन शॉर्टकट ही याद करेंगे, हम ये शॉर्टकट करेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। तो इस शेल का एरिया क्या है, 4 pi r square, और थिकनेस क्या है, dr, तो एरिया इनटू थिकनेस, वैसे ही वॉल्यूम आ गया, अपने को ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे, लेकिन एक्चुअल तरीका तो यही है, पर करेंगे नहीं। तो आज के बाद इस शेल, कोई भी सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई शेल होगा, कोई भी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर कोई शेल होगा तो उसका वॉल्यूम क्या लिया जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, 4 pi r square into dr, याद रहेगा ये स्टेप। तो इसका मतलब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू 4 pi r square into dr। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो अब इसमें ठीक है, अब एक बात बताओ, रो की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट ही गिवन होगी, इसमें क्या गिवन है, 2r into 4 pi r square dr, तो टोटल चार्ज क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करो 8 pi r cube dr की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो मान लो इसका जो रेडियस है वो 2 meter गिवन है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगेगी, 0 से लेके 2, चार्ज आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया, कि आज की बात सॉलिड से प्रॉब्लम आएगी जिसमें रो कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें आपने इमेजिन कैसे करना है। तो वहां पर बैठ के अगर आप सोचोगे, पेपर में बैठ के आप क्या करोगे, वहां ये डायग्राम बनाओगे, कंपटीशन आ गया, आप एक स्फीयर बनाया, फिर हमने शेल बनाया, फिर हमने आर लिया, डी, इतना तो पेज भी नहीं होगा रफ कैलकुलेशन के लिए, कुछ नहीं करोगे, माइंड में पता होगा अच्छा शेल है, शेल का एरिया मुझे पता है, रो इंटू वॉल्यूम करूंगा, एरिया इंटू थिकनेस, चलो जिस तरह डी क्यू, ये भी नहीं स्टेप लिखोगे, ये भी नहीं लिखोगे, सीधा रो को इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, बस यही से स्टार्ट करके इंटीरियर के 2 steps में आंसर, बस इतना ही होगा। समझ में आया यहाँ तक, देखो ये तो टेक्निक्स हैं, आफ्टर प्रैक्टिस जब चीज़ें बहुत क्लियर दिखेंगी तो बहुत स्टेप्स माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है और सीधा एंड स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग, बट पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट पॉइंट क्लियर है। पर आज के लेक्चर में ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे 2 questions करेंगे हम, अभी आपको याद ही हो जाएगा ये स्टेप सारा, क्लियर है यहाँ तक। ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अगर समझाएंगे नहीं, याद करा देंगे, फिर फायदा क्या होगा उस चीज़ का। तो एक बार बता दिया कि ऐसा होता है, करना नहीं है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, रो की वैल्यू गिवन है qr/πr4, कैपिटल आर बड़े स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल आर वेरिएबल है। तो मेडिकल के लोगों को पता है कि रो के ब्रैकेट में आर का मतलब रो इज अ फंक्शन ऑफ आर,
रो इज अ फंक्शन ऑफ आर का मतलब रो आर पे डिपेंडेंट है, तो इसको ऐसे ही रीड करते हैं, मैथ्स वालों को तो पता ही है। तो यानी कि वेरिएबल रो है, वेरिएबल रो है, और वो क्या कह रहा है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड ई इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट पी। टोटल स्फीयर है, चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्म, तो रो आपको वेरिएबल गिवन है उस क्वेश्चन में। पर आपको उसने क्या कहा कि मुझे ई की वैल्यू कहां निकालनी है, मुझे ई की वैल्यू निकालनी है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड यहां पे। अगर रो कांस्टेंट होता, वेरिएबल ना होता, मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी, रो इंटू आर वन बाई थ्री टाइम्स, गॉस थ्योरम की डेरिवेशन से सीधा रिजल्ट तो था आंसर। पर यहां पर रो कांस्टेंट नहीं है, तो अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, वो रिजल्ट तो कम से कम यूज नहीं करना पड़ेगा, और वो रिजल्ट नहीं यूज करना पड़ेगा और ई निकालना पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं, क्या लगानी पड़ेगी, गॉस थ्योरम तो लगा लो। एक काम करो, आपको आर वन डिस्टेंस पे ई निकालना है ना, तो आर वन डिस्टेंस पे क्या लेंगे, गॉशियन, ये लो, ये ली आपने गॉशियन सरफेस। गॉशियन सरफेस में क्या किया, ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि गॉशियन सरफेस का एरिया कितना है, फोर पाई आर वन स्क्वायर, तो गॉशियन सरफेस का फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू इस गॉशियन सरफेस के अंदर का चार्ज। देखो अभी इंपॉर्टेंट है, पूरे स्फीयर का चार्ज नहीं, गॉशियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ये चार्ज, ठीक, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज आपको निकालना पड़ेगा इन रेडियस आर वन, और ये चार्ज कैसे निकलेगा, क्योंकि रो तो नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने आपको सिखा दिया, ये सब स्टेप लिखे हुए हैं। और अल्टीमेटली क्या किया, चार्ज निकालने में क्या किया, रो को स्मॉल, रो को इस वॉल्यूम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, बताया ना रो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, और इसको 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो उसकी क्या कर दी, इंटीग्रेशन। तो ये देखो मैंने क्या किया, ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर इज चार्ज इन साइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर वन बाई एप्सिलॉन नॉट। आर वन में क्या चार्ज आएगा, जो भी रो है उसको वॉल्यूम से शेल से क्या किया, मल्टीप्लाई, और लिमिट्स क्या लगानी है, जीरो से कैपिटल आर नहीं लगानी, क्योंकि मेरे को टोटल चार्ज तो निकालना ही नहीं, मेरे को तो आर वन का चार्ज निकालना है, तो जीरो से लेके कहां तक, आर वन तक, कोई डाउट इसमें। अब जिसका चार्ज निकलेगा लिमिट उसी की रेडियस की लगेगी ना, क्लियर है यहां तक। तो जीरो से लेके आर वन तक मैंने क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया। अब यहां से ये टर्म आ गई, तो यहां से कांस्टेंट बाहर आ गए, सिर्फ आर की इंटीग्रेशन है जीरो से आर वन, आर क्यूब की इंटीग्रेशन आर वन फोर बाई फोर, ऑब्वियसली यहां सॉल्व करके आंसर आएगा। मेडिकल वालों को इतना टफ नहीं आएगा, ज्यादा ज्यादा फंक्शन छोटा कर देंगे, रो को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे, टू आर दे देंगे, आर दे देंगे, बहुत छोटा देंगे, और शायद गॉस थ्योरम भी लगाएंगे, सिर्फ चार्ज निकालने के लिए दे देंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल नीचे रखेंगे। मेंस में तो ये क्वेश्चन आया है, पुराने पेपर में मिलेगा आपको, तो मिल ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब मेंस में तो ये नहीं कि आ नहीं सकता, ये तो ऐसा दो बार आया हुआ है। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें आपको इसी क्वेश्चन का अलग फॉर्म आया एक बार फिर, मेंस अगले साल फिर आया, क्या कह रहे हैं कि फिर से स्फेरिकल चार्ज है और चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू आपको दे रहा है। अब दो रो दे रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला, कोई समझाएगा यार कि दो रो क्यों है, दो रीजन के रो हैं, रो जीरो क्यों है, ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आप हवा में आ चुके हो, मतलब कि इसके अंदर रो की वैल्यू इतनी है अप टू कैपिटल आर, ये अगर स्फेयर है और ये स्मॉल आर इक्वल टू कैप, तो इसके अंदर तो रो है और नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आप आर ग्रेटर देन आर पे जाते हो, बाहर चले जाते हो, तो रो हवा में क्या जाएगा, हवा का रो कहाँ से निकाल लो, तो जीरो ही हो जाएगा वो, तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो चाहिए भी नहीं था, वैसे ही ये दे देता आराम से, ये दिखने की जरूरत भी नहीं थी, हम समझ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पर उसको वो तो स्टाइल है ना पूछने का, ठीक। मेडिकल वालों को इतना टफ नहीं आता वैसे, तो मेडिकल वाले इस क्वेश्चन को ना भी करें तो भी चलेगा, इट्स ओके, इतना ऐसा आएगा नहीं आपको, सर नॉन मेडिकल में आएगा, तो मतलब मर्जी है आपकी, मज़ा आ रहा है तो सीख लें, अगर बोझ पड़ रहा है तो ये था ही नहीं दुनिया में आपके लिए, कोई इतना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ वो प्रेशर ले जाएँ कि यार ये इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो रही, आना ही नहीं है मेडिकल वालों को, अगर आप मेडिकल का पेपर परचेज कर लेंगे ना, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पे क्वेश्चन आ जाने आपको, तो टोटल ऐसी फिगर्स देगा वो आपको,
जिसमें अंदर का चार्ज वो एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब शायद इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा भी नहीं, तो नॉन मेडिकल को तो देगा, तो दे इतना तो ही देगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नॉन मेडिकल में ये भी क्वेश्चन आया होगा, कॉइन वाला क्वेश्चन था, कॉइन वाला कॉइन 1 रुपये का सिक्का वाला, अब तो वो क्वेश्चन मेंस के अंदर डाल रखा है नीट वो NCERT का उठा के मेंस वालों ने, तो ये तो आपके आपका लक है आपके सेट में क्या आएगा। किसी को ये भी आया है, किसी को वो चार्ज भाई एप्सिलॉन भी आया हुआ है, तो 8 क्वेश्चन आसान आने हैं, मैंने बता दिया 8-9 क्वेश्चन, तो उसमें से किसी सेट में आ गया होगा। तो देखो, तो इसमें आपको क्वेश्चन में रो गिवन है और आपको ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ छोटा आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को ये क्वेश्चन तो याद ही हो गया, नहीं मेरे को याद हो गया क्योंकि मैं तो बार बार कर चुका हूँ और मैं तो पिछले पेज में करके आया हूँ, तो चौथा क्वेश्चन है मेरा, तो ये तो मेरे को तो इसलिए याद हो गया कि मैंने अभी मैं क्या करूँ इसमें सॉलिड स्फीयर के अंदर। पहले मेरे माइंड में आया रो वेरिएबल है, ये माइंड में आया, फिर आया कि ई कहाँ निकालना है, जहाँ ई निकालना है वहाँ क्या लेंगे, गॉशियन, ये ले स्मॉल आर की गॉशियन सरफेस, गॉशियन सरफेस में क्या लेंगे, गॉशियन सरफेस में ई इंटू 4π r² लेंगे, राइट, ये ले लिया, इज इक्वल टू गॉशियन सरफेस के अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रू लगेगा तो ई आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, गॉशियन सरफेस के अंदर का चार्ज, तो गॉशियन सरफेस के अंदर का चार्ज अगर निकालना है तो बस ये बताओ गॉशियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉलर, तो मेरे को बस स्मॉलर रेडियस के अंदर चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, चार्ज मुझे पता है कैसे निकलता है, रो को वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम शेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चार्ज निकालने का तरीका तो बहुत ही क्लियर है, 4π r² dr को रो से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो कुछ नहीं करेगा, हर क्वेश्चन में रो को चेंज करता जाएगा, कभी रो आसान दे देगा कभी मुश्किल दे देगा, एंड में ये लगाना है। और चार्ज कितने रेडियस में निकालना है, स्मॉल आर, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से r। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इसकी इंटीग्रेशन है, यहां से 4π ρ0 सब बाहर आ गया, मेडिकल में आएगी नहीं, नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर करा देंगे, तो मैंने जो बताना था मैंने तो बता दिया, यहां तक मेरा काम था। और वैसे जिनको इंटीग्रेशन आती है तो वो देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के इसकी और इसकी इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा। पर इंटीग्रेशन पे भी कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में काफ़ी डिटेल में इंटीग्रेशन आएंगी तो आपको ये इजी लगेगी, मेडिकल में आएगा नहीं तो इसलिए कोई अपसेट होने की जरूरत नहीं, मेडिकल पर छोड़ भी सकते हैं ऐसे। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारी गेम किसकी है, रो की गेम है, किसमें, रो नॉट कॉन्स्टेंट है, जितने भी नॉट वाली टर्म ज़्यादातर कॉन्स्टेंट ही होती हैं, वो अल्फा बीटा गामा रो नॉट, ये छोटा आर और एक्स ज्यादातर वेरिएबल देखा है मैंने, कैपिटल आर भी नहीं होता, कैपिटल आर भी कांस्टेंट ही होता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, अभी ना एक ऑब्जेक्टिव शीट थी जरा उसको पहले कर लेते हैं खत्म, वो बाद में करूंगा, पहले जरा ऑब्जेक्टिव शीट की पॉइंट करा दूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऑब्जेक्टिव शीट थी, 10? हाँ कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, चल रहा है अभी तो। देखो चलो, देखो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, दोनों बैचेज का फॉर्मेट सेम है तो करना तो पड़ेगा ही। देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1, ये शीट में क्वेश्चन नंबर 1-2 में डाउट, 1 में मैंने क्या सिखाया था कि जब आप फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो आप ई किसका लेते हैं, सबका लेते हैं, जब सबका लेते हैं तो फिर सबका ले लिया, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 3 में डाउट, कितनों ने नहीं की है, कितनों ने की है पहले तो ये बताओ, की है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3-2 में डाउट है,
टू का क्वेश्चन ये तो बहुत मुश्किल तरीके से किया, मतलब मुश्किल क्या, अजीब सा तरीका से, पता नहीं कैसे किया मैंने, क्या मेरे दिमाग में आया, इसको आसान तरीके से करते हैं। आपको इसमें ई गिवन है, ए इंटू आर नॉट है ये, आर नॉट, आर नॉट द चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर नॉट सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज। वो कह रहा है एक काम करो, आपके पास कोई स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस कितना है, आर नॉट, आर नॉट डिस्टेंस पे ई की वैल्यू गिवन है कितनी, ए इंटू आर नॉट दी हुई है। क्या पूछ रहा है, इसके अंदर का चार्ज, इस पे अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो ई इंटू एरिया क्या लेंगे, 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इसके अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ई क्वेश्चन में गिवन है कितना, ए इंटू आर नॉट, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर, ई ने चार्ज निकालना है ना, चार्ज आ जाएगा, डन। ये ज्यादा आसान है, एक ही बारे में आंसर आ गया, ठीक है ना यहाँ तक। वो देखने में थोड़ा ऐसा बना दिया, ई भी दे दिया आर नॉट की फॉर्म में, कुछ मिसप्रिंट भी है यहाँ पे थोड़ा सा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है, तो गॉस थ्योरम लगाओ और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक, पीछे क्लियर है, ठीक माधव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 3 तो आसान ने कर लिया था, 4 में ना क्या कंफ्यूज किया उसने, फोर्थ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फोर्थ की ये प्रॉब्लम है, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा, इसने क्या दे दिया सिंबल में, क्यू, मतलब देना चाहिए था लैम्डा, उसने क्या दे दिया, क्यू, और ऊपर से चार्ज पर सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, कूलम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 100 क्यू कूलम पर मीटर, ये लैम्डा है, समझ आया यहां तक, पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो लैम्डा आ गया। आपको ये क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना है, तो इसके अंदर का चार्ज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अंदर का चार्ज क्या होगा, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें ये रहा, और इस क्वेश्चन में लैम्डा है क्या, क्यू इंटू 100 बाय एप्सिलॉन आंसर। तो समझ में आ गया यहां तक, तो लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा उसका, तो जो भी चार्ज आएगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड आंसर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। मेरे को लगता है मुझे टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए, लेट हो जाएगा, ठीक है। तो